This is Swati, your English educator from Magnet Brains. Wow, what an awesome day! Because we are going to learn something new today. Like, ouch, what did you just do? What did I just do? I hurt myself. Ouch! Oh, like, yay, yep, you hooray! So, guys, we are going to learn interjections. ट ऑल दीज फनी नॉइजेस दैट वी मेक इन्ही को हम कहते हैं इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन क्या होते हैं एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड ऑल वर्ड यूज़ टू एक्सप्रेस एंड फीलिंग्स तो जब आपको कुछ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग एक्सप्रेस करनी होती है तो हम उन्हें इंटरजेक्शन की हेल्प से यूज करते हैं uh, मतलब एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि कोई सरप्राइज हुआ लाइक वाओ फियर हुआ लाइक like, अगर फियर होता है तो हम क्या बोलते हैं ओह लाइक सस्पेंस ओ माई गॉड एंगर एंड लव जॉय एंड अदर इमोशंस So, all these emotions we always express, हम ना कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता एक्चुअली मीनिंग नहीं होता बट उन वर्ड्स को यूज करते हैं टू एक्सप्रेस की हमारी आर इंटरजेक्शन wow, oh, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंटरजेक्शन होते हैं वर्ड सच इज हेल्प बी वे एंड स्टॉप Usually verbs may be used as interjections. जैसे कि अगर हम बोलते हैं स्टॉप कार तो हम स्टॉप को एक बहुत ही सडन और इंटेंस फीलिंग के साथ बोलते हैं एक्चुअली स्टॉप एक वर्ब है लेकिन यहां पे वो एज एन इंटरजेक्शन यूज हो सकता है जैसे बी is a इज like, there is इज like पॉट होल बी there और a इज with अ gun तो यहाँ पे जो बी वेर है ये भी दो इट इज़ अ वर्ब हम इस इंटरजेक्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं हमारी जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है उसमें जो हमारी लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन और ये जो है जो ये मतलब हम लोग ज़्यादा इसमें आपको यू ना यू वन फाइंड इट इन ऑल योर बुक्स एंड एवरी इट इज एन इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच और हम उसको यूज़ भी करते हैं बट फॉर्मल लैंग्वेज में हम बहुत ज़्यादा इंटरजेक्शन को यूज़ नहीं करते इन फॉर्मल लैंग्वेज में वी डू ओके नाउ इंटरजेक्शन क्या एक्सप्रेस करते हैं ओके इंटरजेक्शन एक्सप्रेस करते हैं जॉय अब मैं जो ये आपको पढ़ा रही हूं ये क्लास स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि क्लास फोर में आपके पास इंटरजेक्शन है थोड़ा बहुत क्लास फाइव में आपके सिलेबस में ही नहीं फिर क्लास सिक्स में है क्लास सेवन में नहीं है क्लास एट में है बट देर इज नथिंग इंटरजेक्शन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है ठीक है हम उसको कवर अप करने वाले हैं सो so, जब हम जॉय एक्सप्रेस करते हैं तो वर्ड्स लाइक हुजवा हा आहा हुजवे ये एक्सेट्रा ये सारे वर्ड्स क्या है ये जॉय एक्सप्रेस करते हैं एग्जांपल्स देखते हैं हुजवा आई हैव पास लाइक यस मैं फाइनली पास हो गई हम कितनी चॉकलेट्स बाहर खा लेकिन जब क्लास में किसी का बर्थडे होता है या जब वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होती है ना उसका अलग ही मजा होता है सो ये वीर गेटिंग सम माई ब्रदर हैज गॉट फर्स्ट डिविजन ना ये जो एक्सप्रेशन है आह ये हम पेन के लिए भी यूज करते हैं अदरवाइज आह माई ब्रदर है इसको हम हैपीनेस के लिए भी यूज करते हैं

So, अगर कोई मैच है एकदम कश्मकश कश्म वाला मैच है और इंडिया यू नो you know, इंडिया जो है वर्ल्ड कप फाइनल में है और इंडिया ने मैच जीत लिया है मैच सो ऑल दीज वर्ड हुआ आ एंड देन वी हैव अ

सो अलास्ट इज अ वर्ड जो आप बुक्स में बहुत कॉमनली देखोगे और अलास्ट का मतलब होता है योर इन पेन आप बहुत दुख में हो सो आई एम सोर एंड अलास्ट ही हैज पास्ड अवे आह ही fell from the roof अपन बोलते हैं ना ओह आह ah, ये सब क्या है दीज आर इंटरजेक्शनस आह मी व्हाट अ नास्टी डीड लाइक किसी ने आपको कोई काम दिया अब बोलोगे और सपोज आपको घर में मम्मी ने बोला एक काम करो बेटा वो जो कचरा है ना उन सबको जमाओ और कचरे को डालो प्रॉपरली कचरे की पेटी में और उसको जाके बाहर कचरे वाले भैया हैं उनको देख के आप गए आपने देखा यू हर चीज फैली पड़ी है एंड इट्स सो मेस लाइक इट्स यू एक्चुअली तो आप क्या बोलोगे आह oh, मी What a nasty deed. Nasty का मतलब होता है बहुत बुरी और deed का मतलब होता है काम तो अः क्या गंदा काम दिया है मुझे हा यू हैड अ नास्टी फॉल तो यहाँ पे अब ये जो हा है ये ऐसा लगता सपोज आप देख रहे हो अचानक से कोई धम्म से गिर गया अब या हा ही हैड अ अस्टी फॉल नैस्टी फॉल मतलब वो बहुत गंदा गिरा सॉरी आई कैन आई कैन नॉट लेंड यू माई बुक अब आप सपोज किसी ने आपसे एक बुक मांगी आप सॉरी फील कर रहे हो बिकॉज आप उसको हेल्प नहीं कर पा रहे आप क्या बोलोगे सॉरी आई आईट लेंड यू माई बुक वाई डिड यू से इट लाइक दैट क्योंकि यू हैव अ पेन इन योर हार्ट एंड यू से सॉरी आई टोल्ड यू अट ऑफ टाइम्स कि इंग्लिश जो है वो बहुत ब्यूटिफुल लैंग्वेज है उसके एक्सप्रेशन बहुत सारे हैं प्लस उसमें क्या है आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो तो अगर आप कोई चीज किसी को मना भी कर रहे हो ना तो आप

तो मेरे लिए सारे डोनट्स लेके आए हो गुड गॉड सो ऑल दीज वर्ड्स ओह यू केम बैक डिड ही फेल मतलब अब यहाँ पे क्या क्या बात कर रही हो सो सरप्राइज यूर नॉट एबल टू बिलीव कि ये फेल हो सकता है ओह हो सो स्ट्रेंजली शी ड्रेस लाइक ओ हो मतलब यूर सरप्राइज कि क्या कपड़े पहने इसने गुड हेवेंस द कार इज मिसिंग गुड हेवंस लाइक ओ ओमाई गॉड सो गुड हेवंस के लिए होता है ओ माई गॉड कार्य नहीं है हमारी यहाँ पे गुड गॉड शी हैज वन द लॉटरी टॉइस गुड गॉड मतलब यार वाओ सो so, हम क्या करते हैं यूजली हम ना बहुत कम यूज करते लाइक like, वाओ वाओ बोलते जाते हैं एंड बात खत्म हो जाती है या फिर आह ओ करके हम लोग बात खत्म कर देते हैं सी गुड हेवं गुड गॉड इज समथिंग यू कैन यूज देन अप्रूवल जैसे अगर मान लो किसी का अप्रूवल चलता है या आप, आप किसी को शाबाशी दे रहे हो okay, well तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब बहुत काम. वो जो होता है ना फिटेप फिंटिक एंड ऑसम एंड ऑल दीज वर्ड्स ये सब आप अप्रूवल में यूज करते हो या आप किसी को अप्रिशिएट करने के लिए यूज करते हो ओके आई शेड सी यू टुमारो या वेल डन

Back up, come on, like quick, 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 and you get all your strength, and finally you touch the finishing line. So, that is again an expression, sudden feeling. Come on, back up. You know, splendid, wow. Next one is fear. Fear, you use that is, ah, the monster got me, the monster has got me, or disgust, like, you chi, yak. You know, so तो राधे देखी वो क्या बोलेगा कचरा उठाने को बोला आपने कचरा उठाया एंड आपने क्या बोला अह आई एम ने डूइंग इट अगेन मतलब अब नहीं करने वाला मैं कभी भी सो द एक्सप्रेशन इज लाइक दिस नेक्स्ट वन इज मेकिंग अस्टेक लाइक उप Oopsie, oops. ये सब क्या होता है जब आपने कुछ गड़बड़ कर दिया गए और आपने स्केच के ऊपर पैमा दिया और वो कहीं और चले गए तो सामने वाले ने ऐसे देखा आपको बटन है आंखें तो आपने क्या उप सॉरी आई डिट सी हाउ यू सेक्स्ट इज पेन आउच दैट हर्ट stop pinching me तो किसी ने आपको चिमटी वो जो होते हैं ना चिमटी कर दी तो बेसिकली pinch किया किसी ने आपको क्या बोला आउच स्टॉप दैट हर्ट मी या आप जा रहे हो आपको लगा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज आपने जैसे ही लिया तो उसका जो एक कांटा था वो आपको चुभ गया तो क्या बोलोगे आउच राइट right? oops एंड आउच नेक्स्ट वन इज डिजायर फॉर साइलेंस व्हाट इज डिजायर फॉर साइलेंस लाइक Shh, koyadae. Shh, And all those things. So that is desire for silence. Next is relief. Like phew. So we actually have this is P-H-E-W. Okay. You can also say it like उंड so इज लेकिन उसके लिए एक वर्ड है एंड वेन यू आर राइटिंग जैसे स्पेशली जब आप नॉवेल्स पढ़ते हो तो नॉवेल्स में इंटरजेक्शन का यूज बहुत ज्यादा होता है आई कॉन्ट बिलीव वी एक्चुअली फिनिश इट ऑल खूब काम किया खूब काम किया फाइनली आपका जो आईपीएल का मैच चालू होने वाला है उसके पहले आपने अपना होमवर्क खत्म कर लिया एंड यू वो देन एडमिनेशन और अप्रिसिएशन जो मैंने अभी सारे बताए स्प्लेंडेड रियली गुड न्यूज ऑल यू फाइनली गॉट योर मास्टर्स डिग्री सो वाओ अमेजिंग स्प्लेंडेड ब्रैवो ये सब क्या है ये सब आपको अप्रिशिएट करते हो तो जब आपकी जो टीचर है आपकी नोटबुक चेक करती है सो शी राइट्स दीज थिंग्स गुड जॉब एक्सीलेंट ब्रिलियंट ये सब क्या है ये इंटरजेक्शन Then celebrations! Yippee, we won! Let's head to the bar. Okay, not the bar. Let's head to the pizza hut. So yippee! Like yes, we have done it. Or yay, the exams are over. This is my favorite line. So then there is yippee and there is wow. Okay. Next is anger or annoyance. If you're very angry, you're like, hey, stop messing with me! Like what?

it's not that good and you take that na and you go back theek hai so na is like what rejection na itna koi khas nahi it's na okay then we when we talk about attention like hush behold listen look hark to jaise agar aapko dikhana hai kisi ko hey look look ya hey listen और ये सारे words क्या आप किसी से अटेंशन गैदर कर रहे हो जैसे कि लो ही इज हियर अगेन इज हर अगेन अब ये लो जो है ना हमको लगता है ये हिंदी का वर्ड है अब ये हिंदी में से उन्होंने लिया है या इंग्लिश से हमने लिया है लो like, आ गया वो सो लो इज एक्चुअली एन इंग्लिश थिंग देन द चाइल्ड इज स्लीपिंग सो की जैसे हर्ष भी हो सकता है बट हर्श इज लाइक वट यू आर ड्राइविंग सम अटेंशन आपको अटेंशन ले रहे हो कि भाई होल्ड ऑन बच्चा सो रहा है ज्यादा अगर बच्चा उड़ी है तो मैं नहीं संभालूंगी तुम्हें संभालना बी होल्ड Someone is coming. Behold मतलब एक मिनट रुको. Behold someone is coming. Listen you have to deliver my message to Sita. Listen तुम्हें मेरा मैसेज सीता को देना ही है. Look never go outside in the dark. Here else again you are taking the attention of your kids and you are telling them कि भाई ये काम मत करना. Hug someone is knocking at the door. अब यहाँ पे ये क्या है हग मतलब अरे यार कोई जाके खोलो दरवाजा. Okay

Where are you coming from? Like, you know, Tum se chale ho? Kisne hello. So, that is how it sounds. Hello, how do you do? Hello, how do you do? See, we have got three words. They are the same words like hello. Like, one is hello and like, hello. So, they, they sound very different. But if you practice that, it, it sounds better. Especially when you watch all these cartoons in English wale cartoons, or if you watch some kids' movies, so you can use hota hai. next one is shame. When we talk about shame, it's like fi, fie fie So fie is a shameful word. Like for shame, your sister has run away from home. Behen se so for shame, you can just use the word or

फाइज विच आई एम श्योर आपको पता नहीं होगा सो दर्ड यून इंक्लूड इन अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड जो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं या वर्ब होते, होते, होते हैं लेकिन एक्ट करते हैं देखते हैं कैसे माई किंगडम ड्यूडम फॉर अस अब यहां पर हम जब नाउन की नाउन इंफिटिव से स्टार्ट करते हैं टू थिंक ऑफ हेम इज अं इंफिनेटिव क्या होते हैं वो वर्ड जो कि टू के जैसे हमने जिनका बेस फॉर्म लिखते हैं जैसे कि टू वॉक ठीक है और टू टॉक तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो टू के साथ स्टार्ट होते हैं इस तरीके से इनको इन्फिनेटिव कहते हैं लाइक टू वॉक इज समथिंग आई कैन नॉट इमेजिन तो यहां पे आप टू थिंक ऑफ हिम एज अ फ्रेंड मतलब तुम्हें लगता है कि मैं उसको एक दोस्त की तरह सोचती हूँ टू थिंक ऑफ हिम एज अ फ्रेंड इट्स अ क्राइम तो कोई अगर मान लो कोई बंदा है या कोई बंदी है जिसको आपको लगता है कि वो बिल्कुल फ्रेंडशिप के लिए वर्थ नहीं आप बोलोगे टू थिंक ऑफ हिम एज अ फ्रेंड ओह प्लीज तो यहाँ पे अगेन ये जो टू थिंक है ये अपने आप में एक, एक इंटरजेक्शन की तरह यूज हो रहा है नाउन लाइक अ हॉर्स माय किंगडम ड्यूकडम फॉर अ हॉर्स मतलब किसी ने बोला कि आप जो हो, आप अपना किंगडम दे दो तो मैं आपको एक घोड़ा दे दूंगा दिमाग खराब है तुम्हारा एक घोड़े के लिए अपना पूरा किंगडम दे दू या पेन तो जब आप किसी चीज को लेके बोल रहे हैं तो यू फाइटिंग विद मी ओवर पेन पेन तो एक भी वहां पे क्या हो गया नाउन है लेकिन एक इंटरजेक्शन की तरह यूज हो रहा है अब यहां देखो प्रोनाउन वर्ड अ साइट इट इज वर्ड अ ब्यूटिफुल तो ये जो वर्ड है ये एक प्रोनाउन है ठीक है और आपने उसको एज एन इंटरजेक्शन यूज किया है देन वर्ब सुनो सुनो वो क्या बोल रहा है Here, here, okay? here, here, या फिर कमॉन क्लैप क्लैप ये सारे क्या है ये आपके जो है वर्ब होते हैं फिर जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो हाउ चार्मिंग द वॉइस हाउ चार्मिंग द वॉइस तो यहां पर जो चार्मिंग है ठीक है वो एक एडवर्ब है यहां पे हाउ चार्मिंग तो ये जो हाउ है ये एक एडवर्ब है जो कि इस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है चार्मिंग कितना हाउ चार्मिंग सो ये भी एक इंटरजेक्शन की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे एंड देन लेट्स टॉक अबाउट कंजंक्शन सो इफ ओनली आई कुड सी माई फादर अगेन सपोज समीज लॉस्ट फादर हाउ फादर एंड आपने बोला काश मैं बस एक बार अपने पापा से मिल पाता या उनसे एक बार बात कर पाता if only i could do this so if जो यहाँ एक कंजंक्शन है वो एक इंटरजेक्शन की तरह यूज कर रहे हैं हम okay? ओके अब हम बात करते हैं कुछ फ्रेजेस होते हैं जिन्हें हम इंटरजेक्शंस की तरह यूज करते हैं मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जैसे कि dear me dear me like ओह oh, बेचारी मैं cheer up like चलो ठीक है इट्स ओके जो हुआ हुआ नाउ फील बेटर गुड ग्रेसियस टू दिस इज द सेम लाइक गुड हेवेन्स गुड गॉड गॉड नोज भगवान जाने गुड बाय फेयर वेल ओ डेथ वेलकम थैंक गॉड माई फुट माई सन माई गॉड ऑल दीज वर्ड क्या ये जो फ्रेजेस हैं ये भी इंटरजेक्शन की तरह ही यूज किए जाते हैं ठीक है

सो प्लीज टे ट्यूंड एंड मेक श्योर की वो सारी एक्सरसाइजेस आप करो ताकि इंटरजेक्शन का टॉपिक फटाक से अपना खत्म हो जाए ओके आई एम गोइंग टू सी यू सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय बाय